अगर आप कंपेयर करोगे ना कि गाड़ी में दिल्ली जाना है या फिर बस में दिल्ली जाना है, दोनों में से किस में जाना चाहिए, मैं कहूँगा तो 6:30 हो गए हैं सुबह के और मैं हूँ अभी फगवाड़े। तो अभी वापस जाने का वक्त आ गया है, बैक टू कनाडा जा रहे हैं, लेकिन पहले जाना पड़ेगा उसके लिए दिल्ली। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, ये है व्लॉग इंडो कैनेडियन का, ताकि मैं आपको बता सकूँ कैसी है बस और क्या हिसाब है उसका और उसमें जाना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अभी फगवाड़े से मेरी बस का उन्होंने मुझे टाइम दिया था 6:35, तो वो कैसे कैसे क्या क्या होता है वो सारा कुछ आपको मैं आज के व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन अभी तक हमारी बस नहीं आई तो बस अभी शुरू करते हैं। एनीवेज वेलकम बैक टू कनाडा व्लॉग, नए हैं मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कैसे लगी वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस विद फ्रॉम मॉर्निंग दिस विद। आज 21 तारीख है और 1 मार्च को मेरी फ्लाइट है और अभी हम आए हैं इंडो कैनेडियन बस के ऑफिस, यहाँ पर होशियारपुर के ऑफिस, अपनी बस करवाने के लिए, क्योंकि इस बार मैं इंडो कैनेडियन में जाऊँगा दिल्ली तक, फिर आगे तो हमारी फ्लाइट है, पता नहीं ये क्लिप पड़ेगी या नहीं, है ना सचिन? हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? तो ये रहा सामने इंडो कैनेडियन का ऑफिस, तो यहाँ पे हमारी बस आएगी अभी। होशियारपुर से भी हम यहाँ आ सकते थे, इन्होंने सुबह हमें होशियारपुर का टाइम दिया था 4 बजे का, कि अगर होशियारपुर से आपने यहाँ तक आना है ना तो फिर 4 बजे, लेकिन होशियारपुर में असल में बस नहीं आती। तो होशियारपुर में क्या होता है, जो बीच बीच में छोटी छोटी सिटीज जो कनेक्ट करती है ना, वहाँ पर नहीं जाती है बस, ये सिर्फ जाती है जलंधर, जलंधर टू फगवाड़ा, फगवाड़े टू लुधियाना, लुधियाना टू राजपुरा, तो ऐसे करते करते मेन मेन स्टॉप्स लेकर दिल्ली पहुँचती है। लेकिन अगर आपने होशियारपुर से यहाँ तक आना है और आपके पास कोई है नहीं यहाँ पर छोड़ने वाला, फिर भी आप आ सकते हो, क्योंकि फिर वो आपको लेकर आएंगे खुद अपनी गाड़ी में यहाँ तक फगवाड़े तक। लेकिन उन्होंने मुझे 4 बजे का टाइम दिया था कि होशियारपुर आपको 4 बजे पहुंचना पड़ेगा, तो 4 बजे तो बहुत जल्दी था, तो मैंने कहा भाई मैं तो फगवाड़ा ही आ जाऊंगा सीधा। तो अभी फगवाड़ा हम पहुंच गए हैं पूरे 6:30 बजे अपने टाइम पर, लेकिन बस अभी तक भी यहाँ पर खड़ी नहीं है, लेकिन सवारियाँ वहाँ पर बहुत खड़ी हैं, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, देखो कितनी सवारियाँ खड़ी हैं। और ये हमारी सवारियाँ यहाँ पर, हमें ये छोड़ने के लिए आए हैं सभी के सभी, देखो इधर। तो इंडो कैनेडियन का जो मेन हेड ऑफिस है ना, वो जलंधर में है, तो इनकी बसेस जलंधर से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इनका ऑफिस जलंधर में है तो फिर आपको सिर्फ जलंधर में ही बस मिलेगी। सो यू कैन गेट दिस बस एनीवेयर अराउंड द पंजाब, तो पंजाब में जो भी आपकी सिटी होगी, लेट्स से कि होशियारपुर, तो होशियारपुर मेरी सिटी है, लेकिन ये बस होशियारपुर नहीं आती, तो ये आती है फगवाड़ा, तो जो होशियारपुर से हमें उठाकर इनकी गाड़ी लेकर आएगी फगवाड़े तक। अब इसका प्राइस कितना है, तो अगर तो आपने स्लीपर क्लास लेनी है सो दैट इज़ 2800 रुपीज़, लेकिन अगर आपने ऐसी बैठने वाली बस लेनी है जो कि मैंने करवाई है ऐसे, ये भी काफ़ी लग्जरी है, तो इसका प्राइस है 2200 रुपीज़। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिटी चेंज कर लोगे तो फिर प्राइस चेंज हो जाएगा, तो प्राइस बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब जो मैंने जो इनकी टिकट बुक की थी वो मैंने की थी इंडो कैनेडियन के होशियारपुर के ऑफिस में जाकर, लेकिन आप इनकी टिकट बुक ऑनलाइन भी कर सकते हो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर। तो आपके जितने भी लगेज होंगे वो सबसे पहले तो आपको उसी दिन या फिर उसी सुबह जब भी आपकी बस होगी कॉल करके पूछेंगे कि आपके कितने लगेजेज हैं, फिर उसके बाद जब आप अपने लगेज लेकर आओगे उनके एम्प्लॉयज़ खुद आपके लगेज बस में रखेंगे और उतरने के बाद आपको वो निकाल कर भी देंगे। बस आने के 5-10 मिनट के बाद लगेज वगैरह बस में रखकर बस लेकर वो निकल पड़े। जैसे मेन मेन शहर होते हैं ना, वहाँ पर इनका इंडो कैनेडियन का ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑफिस बना होता है, तो वहीं पर जी अपने स्टॉप लेते हैं। फिर उन्होंने लुधियाने से अपनी सवारियाँ उठाई सबसे पहले। तो अभी बस ने स्टॉप लिया है राजपुरा और यहाँ पर आधे घंटे के लिए रुकेगी बस, और जिसने कुछ खाना है वो यहाँ पर खा सकता है, अगर किसी ने वॉशरूम वगैरह जाना है वो जा सकता है। तो
अभी तक भी राजपुरा ही रुके हुए हैं। इन्होंने कहा था कि ये स्टॉप जो है वो कुछ आधे घंटे का है, लेकिन हमें कुछ 40-45 मिनट हो गए हैं यहाँ पर रुके हुए। तो ऊपर से मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैं बाहर गया था कुछ खाने के लिए यहाँ पर, लेकिन मुझे कुछ बाहर से क्यों खाना है ना, तो घर से मैं रोटी लेकर आया हूँ पैक करवा कर मम्मी से बनवा कर, तो वही खा कर अभी बस फिर बैठते हैं और फिर आगे जाकर देखते हैं अब कहाँ पर बस रुकती है। तो इंडो कनेडियन की लग्जरी सर्विस के साथ साथ सबसे पहले वो आपको एक पानी की बोतल देंगे और साथ में आपको एक बड़ी सी स्क्रीन मिलेगी आपकी सीट के ऊपर जिसमें ढेर सारी मूवीज़ होती हैं, और उसके साथ साथ आपकी सीट इतनी बढ़िया है कि वो क्लाइनर भी बन जाती है, और कि अगर आपने कंफर्टेबली बैठना है ना तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, तो मैं तो बहुत कंफर्टेबली बैठ कर आया था। उसके साथ साथ आपको काफ़ी और ज़्यादा भी एक्सेसिबल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये ट्रे मिल जाएगी जैसे प्लेन में होती है अगर आपने कुछ सामान वगैरह रखना है अपना। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर दो प्लग्स भी मिलेंगे अगर आपने अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है। तो बहुत बढ़िया बस है, सीट्स वगैरह काफ़ी इसकी वाइड हैं और प्लेन के मुकाबले तो मतलब बहुत ज़्यादा खुली खुली सीट्स होती हैं इस बस की। तो अभी पूरे 11:30 हो गए हैं, 11:26 हो गए हैं और हम पहुंच चुके हैं पानीपत हवेली, और यहाँ पर बस रुकी है 15-20 मिनट के लिए, अगर किसी ने वॉशरूम वगैरह जाना है तो जा सकता है। तो बस काफ़ी कंफर्टेबल है, अगर आपको बस का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है बस, मतलब अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो या फिर मैं अगर आप कंपेयर करोगे ना कि गाड़ी में दिल्ली जाना है या फिर बस में दिल्ली जाना है, दोनों में से किस में जाना चाहिए, मैं कहूँगा बस में जाना चाहिए ये वाली में, क्योंकि ये है कि इसमें सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और बंदा आराम से मज़े से चला जाता है, और इतनी जल्दी जा रही है ना बस, इतनी जल्दी पहुंचा रही है बस। नॉर्मली जो होशियारपुर से जो फगवाड़े से लेकर पटियाले तक का सफ़र होता है वो ऑलमोस्ट कुछ 3 घंटे का होता है, 3.5 घंटे का होता है, लेकिन बस ने 2.5 घंटे से भी कम टाइम में पहुंचा दिया था, और ये कह रहे हैं कि बस दिल्ली एयरपोर्ट 2 बजे तक पहुँच जाएगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि बस कितनी तेज जा रही है और कितनी कंफर्टेबली जा रही है। तो अभी ये देखो यहाँ पर रुके हुए हैं ना सारे, बसेस वगैरह लगी हुई हैं और भीड़ लगी हुई है खाने के लिए यहाँ पे। अब ये रही सामने हवेली पानीपत, तो यहाँ से हमने ली है एक पाव भाजी और एक ली है राज कचौरी। पाव भाजी आई है 160 की, राज कचौरी आई है 130 की, तो टोटल मिलाकर 300 रुपया बना, काफ़ी महंगा है, लेकिन ये राज कचौरी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। पाव भाजी में सिर्फ 2 पाव है बस, और बस अब खाएंगे और जल्दी से निकलेंगे यहाँ से। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने कैप पहनी हुई है, वो इसलिए क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कटिंग करवाई थी तो इस साइड से ज़्यादा छोटे हो गए हैं, और ऊपर से यार काफ़ी लंबा सफ़र है कनाडा का, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र, और होशियारपुर टू अगर दिल्ली जाना पड़ता है फ्लाइट लेने के लिए तो वो तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, गाड़ी में 8 घंटे लगते हैं कम से कम, और मेरे हिसाब से अगर बस में आओगे तो फिर आप कंफर्टेबली पहुंच जाओगे और कोई टेंशन भी नहीं है, आराम से मज़े से आओ और धीरे धीरे आओ घूमो यहाँ पर आकर रास्ते में और दिल्ली पहुँचो। और बस में एक एक चीज़ है आपने देख ही लिया होगा, स्क्रीन से लेकर प्लग से लेकर एक एक चीज़ है और बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आप स्लीपर क्लास भी ले सकते हो, लेकिन अब बात आती है कि कितने की मुझे ये बस पड़ी थी, तो अगर आपने यही वाली लेनी है ना जो मैं जिसमें मैं आया हूँ तो ये 2200 रुपीज़ की पड़ती है एक बंदे को, नो मैटर आप कहाँ से करवाते हो, चाहे राजपुरे से पटियाले से चाहे होशियारपुर से फगवाड़े से या लुधियाने से, आपको 2200 की पड़ेगी। अगर आपने स्लीपर क्लास करवानी है तो वो पड़ेगी 2700 रुपये की, उसमें आप लेट कर मज़े से आ सकते हो। और ये है देखो, ये रही बसेस, 2 बसेस जा रही हैं दिल्ली, दोनों की टाइमिंग सेम ही लग रही है मुझे, इसलिए सेम जगह पे रुकी हुई है सेम टाइम पे। और इधर ये है पानीपत हवेली। एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 2:52 हुए हैं, लेकिन अभी ट्रॉलीज वगैरह ढूंढ रहा हूं मैं, ट्रॉली नहीं मिल रही क्योंकि वो लगेज उतार रहे हैं बस में से, और ट्रॉली कहीं भी है नहीं अभी यहां पे। Ooh, baby, I know I turn you on.